हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। सो दोस्तों, आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही धांसू ट्रिक लेके आया हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना पूरा और समझना। और दोस्तों, ये जो ट्रिक है हर एक एंड्रॉयड डिवाइस में ये वर्क करेगी। और ये कौन सी ट्रिक है और आपने कैसे इसे अप्लाई करना है, अपने फ़ोन पर इनेबल करना है, पूरी सेटिंग्स में आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, और कुछ पता नहीं चलेगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। और दोस्तों, ये ट्रिक जो है बहुत ही अल्टीमेट है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। और दोस्तों, ये 101% वर्क करती है और इसकी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिनको करना होता है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कैसे सेटिंग करनी है, कैसे नहीं, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ जो है अपलोड होती रहती हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं RK न्यूज़ टैग चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, क्या नहीं, वीडियो यहाँ पे देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो वो एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है और उसकी क्या सेटिंग्स हैं और कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट सेटिंग जो आपने करनी है, तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, समझिए, तभी आपको पता चलेगा। तो मैंने एप्लीकेशन ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड करके रखी हुई है, तो इसको मैं जब ओपन करूँगा, तो मैंने जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन कर दिया, तो एप्लीकेशन ओपन करते ही यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखते हो, तो आपने यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से इसे अलाउ कर देना है, फिर उसके बाद बैक आना है, फिर दोबारा सेटिंग वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपने एज मास्क वाले कोई ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर देना है, फिर उसके बाद दोबारा से सेटिंग वाला ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपने इंस्टॉल सर्विस में जाना है, फिर एज मास्क को यहाँ से आपने इनेबल कर देना है, फिर आपने बैक आना है। बैक आने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है ये ऑन हो जाएगी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपने करनी है, तो आपने नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आपको यहाँ पे एक ये वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ी सी ऐड आएगी, तो आपको इसको थोड़ा सा देखना होगा जब तक ऐड कंप्लीट ना हो। तो ये ऐड कंप्लीट हो चुकी है, फिर आपने बैक करना है, फिर ये ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑन हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सेटिंग जो सबसे पहले कर लेनी है, वो कौन सी सेटिंग है, वो है डिजेबल साउंड वाइब्रेशन एंड डुप्लीकेट। इसको आपने यहाँ से डिजेबल कर देना है, सबसे पहले आपने यही काम करना है। फिर उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है वर्क कैसे करती है, तो दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रिपल स्टाइल, सबसे पहले आपके यहाँ पे रिपल स्टाइल मिलेगा, मतलब कि आपको कोई भी मैसेज आएगा उसका नोटिफिकेशन कैसे आएगा। तो आप रिपल स्टाइल को ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में कोई भी मैसेज आएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, और अगर आप कार स्टाइल में करना चाहते हैं तो कार स्टाइल में आपको इस तरह का आएगा, और अगर आप जो है बिग आइकन स्टाइल करना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बिग आइकन स्टाइल करना होगा आपको, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बिग आइकन स्टाइल यहाँ पे एनिमेशन जो है देखने को मिलेगा। और अगर आप जो है बुक मार्क स्टाइल में करना चाहते हैं यहाँ पे, तो बुक मार्क स्टाइल में भी आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा। और अगर आप जो है यहाँ पे सैमसंग मैसेज स्टाइल, मतलब जो सैमसंग में मैसेज स्टाइल आता है आप वो रखना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप जो है एप्पल मैसेज स्टाइल रखना चाहते हैं एप्पल वाला, तो यहाँ पे एप्पल वाला मैसेज स्टाइल भी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे जो अगर आप जो है सुपर स्लिम रखना चाहते हैं, सुपर स्लिम रखना चाहते हैं मतलब कि आपको कोई मैसेज आएगा यहाँ पे तो आपके साइड में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा ये वाला। तो ये यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन भी मिलता है, वो कौन सा है, वो है हमारा एज लाइटिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, और पंच होल लाइटिंग भी मिलता है यहाँ पे, मतलब कि जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आपके ऊपर जो है पंच होल नोटिफिकेशन देख सकते हो ऊपर, वो जलना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आपको एज लाइटिंग भी मिलता है, वो भी काफ़ी बढ़िया इफेक्ट में। तो ये थे जो सेटिंग्स जो आप यहाँ पर करेंगे, और मेरे को रिपल स्टाइल वाला यहाँ पर सबसे बेस्ट लगा और ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, तो मैं इसे सेट करूँगा। तो आप अपने हिसाब से कोई भी स्टाइल यहाँ पे जो है सेट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।